गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कल अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सो मेनी इमरजेंसीज हम रात को सेमिनार नहीं कर पाए और इसीलिए आज सुबह 10 बजे हमने कहा था, थोड़ा 10 मिनट ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। तो आज का सेमिनार, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिवर, लिवर की बीमारियां, लिवर की ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम है लिवर के जिनसे कि आपको हो रही है, हो सकती है इशू, और क्या करता है लिवर, क्यों है लिवर, कैसे है लिवर, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि लिवर के लिए आप कैसे प्रिवेंट करें, कैसे ख़राब होता है लिवर और क्या क्या बीमारियां हैं इनकी, मतलब लिवर के बारे में मोटा मोटा सब पता चल जाएगा आज आपको। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा आशा है। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत। और पहले, जैसे कि बताया है, पहले 10 सवालों के जवाब भी हम आपके देंगे। सॉरी। सो लिवर आप मानेंगे, लिवर आपके शरीर का एक सबसे बड़े ऑर्गन्स में से है, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं में से एक ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लिवर है, स्किन के बाद। स्किन सबसे बड़ा, उसके बाद होता है लिवर। सॉरी, लिवर बहुत राइट साइड में होता है पेट के, बट ऑब्वियसली, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके फूड के, जो भी आप खाना खाते हैं उसके, उसको अंदर जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद में जो डिटॉक्सिफाई करता है वो लिवर करता है। डाइजेशन में बेसिकली बहुत ज़रूरी मान लीजिए इसको, डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़रूरी है लिवर। साथ ही आपके बॉडी से सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकालने का काम लिवर का है, आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर करने का काम, बिकॉज लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो लिवर में एनर्जी स्टोर होती है बहुत ज़ोरदार मात्रा में, अच्छी मात्रा, मतलब 1/3 एनर्जी, राइट, 1/4 लिवर में होती है, 3/4 मसल में होती है और ग्लाइकोजन। इसके अलावा लिवर आपके बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कोएगुलेशन प्रोफाइल, यानी खून कितना पतला है, खून क्लॉट कितनी जल्दी होगा, तो वो सारे फैक्टर्स भी लिवर बनाता है। और लिवर बहुत सारे बाइल बनाता है जो गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है और गाढ़ा होता है, तो लिवर बाइल, बाइल सॉल्ट, बिलिरुबिन, ये सब बनाता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं लिवर के, लेकिन ये मोटा मोटा है। तो लिवर में बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारे कारणों से हो सकती हैं, कुछ जेनेटिक होती हैं, कुछ आप कर लेते हैं, कुछ वायरसेस के वजह से होती है, कुछ आप दारू पी लेते हो, राइट, कुछ मोटापे के वजह से हो जाती हैं, फैटी लिवर हो जाता है। और चाहे फैट हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे वायरस हो, चाहे जीन्स जेनेटिक प्रॉब्लम हो, चाहे उसमें आयरन जमा हो, अल्टीमेटली सब के वजह से लिवर डैमेज होता है। और लिवर अगर डैमेज होता है ओवर टाइम, धीरे धीरे करके, तो लिवर में स्कार आता है, स्कारिंग जिसे कहते हैं सिरोसिस। तो ये सिरोसिस के वजह से लिवर फेल हो सकता है, वो एक खतरनाक चीज़ है, जानलेवा चीज़ है। तो लिवर अगर फेल हो रहा है तो फिर उसके साइंस एंड सिम्टम्स आने शुरू होंगे। क्या साइन एंड सिम्टम आएगा? देखिए, लिवर का काम हमने सारे बताए, एक तो लिवर में अगर फेल होना शुरू होगा तो बंदे को पीलिया हो जाएगा, पीलिया होगा, सबने देखा है पीलिया होते हुए, स्किन, चमड़ी, आंखें पीली होनी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द भी होगा और पेट में सूजन भी आएगी, क्योंकि लिवर जब बीमार होता है वो पानी छोड़ता है, पानी छोड़ेगा तो पेट में पानी भी जमा होना शुरू हो जाएगा, आपको पीलिया होगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा, तो बिलिरुबिन ज़्यादा होता है तो इचिंग होनी शुरू हो जाती है, शरीर में खुजली भी होगी, आपका यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, आपको कई बार दोनों में से एक, या तो लैटरिन जो है बिलिरुबिन नहीं आ रहा है तो पीली नहीं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद कलर की लैटरिन आएगी, या कई बार खून आने लगता है लैटरिन में, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में समझाया था कि लिवर से बैक प्रेशर होके पूरा, अभी डाइजेस्टिव हेल्थ वाले सेमिनार में, कि लिवर से ही ब्लड प्रेशर होके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने वाली खून की नसें सूज सकती हैं अगर लिवर में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ इसोफेजियल वराइसिस से लेके पाइल्स तक, पेट के ऊपर की नसों तक सूजन आ सकती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है लिवर की बीमारी में। तो इसीलिए आपकी लैटरिन काली भी आ सकती है,
टार जैसी, एकदम डांबर डांबर टार जैसी काली आ सकती है। इसके अलावा ऑब्वियसली एनर्जी का काम लिवर का है, तो थकावट होगी आपको, उल्टी दस्त हो उल्टी हो सकती है, खाना खाने का मन ना करे, तो कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। और क्योंकि कोएगुलेशन यानी खून क्लॉट करने का भी काम है, तो खून आराम से या बहुत आसानी से खून बह जाना ऐसे साइन भी हो सकते हैं लिवर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो। कमाल की बात यह है, इनिशियल स्टेज में लिवर कोई साइन सिम्टम नहीं दिखाता जब तक अच्छा खासा डैमेज ना हो जाए। अच्छा खासा मतलब 70-80% तक डैमेज ना हो जाए, आपको भनक भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, यानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपने, अगर आपको इनमें से कोई भी साइन सिम्टम है तो डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन बात आती है कि लिवर डैमेज होगा तो क्यों होगा। देखिए, लिवर डैमेज होता है, नंबर वन रीज़न उसका है वायरसेस। एक्चुअली वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे कॉमन रीज़न उसका है वायरस। वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जिससे कि किसी प्रकार के पैरासाइट से भी होता है, वायरस से भी होता है। वायरसेस में आते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये तीन मोस्ट कॉमन वायरस है। ए हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन बी और सी बहुत खतरनाक है। बी और सी होते हैं तो उनके बारे में अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि ये ब्लड बॉर्न है, तो ब्लड या बॉडी फ्लूइड से आपको आते हैं। सो कंटामिनेशन पानी वाने से, जो खाने पीने से ए आता है, हेपेटाइटिस ए, इतना समझना अभी ज़रूरी है। और ये वायरसेस ओवर टाइम लिवर को डैमेज कर सकते हैं। फिर सेकेंड चीज़ है आपकी खुद की इम्यूनिटी। मान लीजिए ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता, यानी खुद की इम्यूनिटी लिवर को डैमेज कर रही है। बिलियरी सिस्टम, जो बाइल का सिस्टम है, उसकी जो पाइपलाइंस हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। वहाँ ब्लॉकेज होने से बाइल आगे नहीं आएगा, नहीं निकलेगा, जमा होगा या बनेगा नहीं, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा हमने बताया। क्या हो सकता है, आपके शरीर में अगर आयरन को मेटाबोलाइज करने के जो हार्मोन, जो एंजाइम्स है, वो सही ना हो, तो आयरन जमा होना शुरू हो जाएगा। हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं, रेयर है लेकिन होता है लिवर में आयरन जमा। आयरन ज़्यादा खाने से लिवर में आयरन जमा नहीं होता, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा है तो वो भी जमा हो सकता है। कॉपर जमा हो सकता है विल्सन्स डिजीज़ में, राइट। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, कई सारे ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो बचपन से हो सकता है लिवर को दिक्कत दें। और अल्टीमेटली आप अगर बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय से दारू पीते हैं, तो लिवर में प्रॉब्लम होगा। मोटे ज़्यादा है तो फैटी लिवर होगा, फैटी लिवर फैट ज़्यादा जमा होगा तो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, फैट ज़्यादा तो अल्कोहलिक लिवर, दारू पिए तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, चैनल पे देख सकते हो उसके लिए यही टॉपिक, और डॉक्टर परमजीत डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो वीडियो आ जाएगा। और रेयर केस में लिवर में कैंसर भी हो सकता है, लिवर में सिस्ट भी हो सकती है, लिवर में एडिनोमा, बाइल डक्ट का कैंसर, ऐसी चीज़ें हो सकती है, और लिवर में एब्सेस भी हो सकता है लिवर में इन्फेक्शन होने के बाद। सो अल्टीमेटली किसको होगा ये सब, किसको, हर एक को तो नहीं होता। तो ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा दारू पीते हैं, जो लोग अपने शरीर में उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाएंगे, खुद ड्रग्स लेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा टैटू बनाएंगे और उसमें टैटूज़ और बॉडी पियर्सिंग करते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, एक से लेकर दूसरे में वही नीडल यूज़ हो जाती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई बीमार हो, किसी ना किसी को दिक्कत हो। जो लोग मान लीजिए, अगर आजकल तो कम हो गया, पर 1992 से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये काफ़ी ज़्यादा फैलते थे, क्योंकि टेस्टिंग नहीं होती थी, अब तो हर चीज़ टेस्ट होके होती है। उसके बाद में मान लीजिए किसी के भी बॉडी फ्लूइड से, किसी को भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, इवन बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आए तो भी हो सकता है, राइट। आपको डायबिटीज़ या मोटापा है तो लिवर को खतरा है, ये सब चीज़ें। ब्लड प्रेशर में लिवर को थोड़ा खतरा होता है, तो ये सब चीज़ें याद रख, ये बात याद रखें कि लिवर में अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, वेरी मतलब कभी कभी जानलेवा होता है। जैसे कि दिमाग पे अमोनिया चढ़ जाना, अमोनिया एक टॉक्सिन है जो लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, अमोनिया चढ़ जाएगा हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, पेट में पानी भर जाना, असाइटिस, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, बहुत सारी बीमारियाँ हैं लिवर में, पोर्टल हाइपरटेंशन, इसोफेजियल वराइसिस, पाइल्स, ब्लीडिंग, राइट। इतनी सारे कॉम्प्लिकेशन है लिवर के जो हो सकते हैं। सो इसीलिए लीवर की बीमारियों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो क्या करेंगे,
क्या करेंगे, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर दारू पीते हो तो बंद कर दो या कम कर दो, कम से कम कम तो कर दो, है ना। उसके लिए लिमिट जो है वो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्की बिहेवियर बंद करिए, यानी इंजेक्शंस मत लो उल्टे सीधे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत करो, अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो कॉन्डम या बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन यूज़ करना। टैटू वैटू बनाते हो ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है फ्रेश यूज़ हो रही है, वही यूज नीडल यूज़ नहीं हो रही, यूज्ड मशीन यूज़ नहीं हो रही, गड़बड़ करेगी। वैक्सीनेशन लेके रखो हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस ए की, सी की वैक्सीन अभी नहीं आई है, आ जाएगी तो लेना है। उसके बाद में दवाई सही से यूज़ करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दारू भी पी रहे हैं, घपा घप पेन किलर भी खा रहे हैं, दोनों मिलके लीवर की ऐसी तैसी कर रहे हैं, राइट। सो पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब दवाइयाँ कई बार लीवर को डैमेज करती हैं, तो आपको ज़रूरत है नहीं है उसके हिसाब से लेना चाहिए, रिमेंबर दैट। दवाइयाँ भी बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद अगर आप किसी के मान लीजिए एरोसॉल स्प्रे, वेंटिलेटर, मतलब बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, चमड़ी प्रोटेक्ट करनी है, हाइजीन मेंटेन करना है, वेट मैनेज करना है, इन सब चीज़ों से आप बेसिक लिवर से बीमारियों से बच सकेंगे। आइए फिर सवाल लेते हैं लिवर के ऊपर भी, और पहले 10 सवालों के जवाब देंगे। प्रिया गौर जी का पहला सवाल था, अभी हम पहले 10 रैंडम सवाल के जवाब दे रहे हैं और फिर सिर्फ सिर्फ लिवर के सवालों के जवाब देंगे एज़ यूजुअल, ठीक है। अगर 1 mg टैबलेट, 1 mg टैबलेट को हाफ ले लिया जाए तो क्या वो 0.5 mg हो जाएगी, क्योंकि 0.5 mg इज़ नॉट अवेलेबल। जी हाँ, नॉर्मली 0.5 mg हो जाती है, ये ऊपर नीचे होता है, 0.5, 0.2, 0.5, 2, 0.5, 5 ऐसे हो सकता है, तो दैट डजंट मैटर सो मच, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो कैप्सूल टैबलेट में कोटिंग ना हो, अगर उसमें एंट्रिक कोटेड जैसा लिखा है तो उसके ऊपर जो कोटिंग है वो टूट जाएगी, फिर फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कोटेड नहीं है तो आप उसको तोड़ के खा सकते हो। ओके हाँ सर, भूख सही लगती है, वेट ये है लेकिन फिर भी वीकनेस। भाई साहब आपके रोज़ सवाल एक ही चीज़ पे आता है, वीकनेस। आप डायग्नोस करवाइए कृपया करके, आप प्लीज़ ऐसे नहीं बता सकते वीकनेस क्यों है, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स हमें भेजिए, हम उसको डॉक वाइज पे देख के आपको बताएंगे, ठीक है। डेली 5 mg नाइटफॉल हुआ, गिनते हो क्या, ऐसा कैसा बता रहे हो। ए नो इट्स नॉर्मल बट सर डेली 5 डेज नाइटवेल हुआ, डेली 5 डेज, वाई इज इट पॉसिबल सर, इजैकुलेशन के बाद स्पर्म रिलीफ इतनी जल्दी हो जाता है कि डेली हो रहा है नाइटफॉल, आई डोंट मास्टरबेट देन डू मास्टरबेट, आइदर मास्टरबेट और डू सेक्स, आई थिंक दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है, दैट कैन बी ट्राइड, इट्स हार्मलेस। कपिल जी हाय सर, फ्रैंकी जॉनसन सर, यूरिन में बहुत झाग दिखता है, क्या ये नॉर्मल है। कई बार नॉर्मल होता है, कई बार इसको टेस्ट करना चाहिए, तो एक बार यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करके देख लीजिए। ऑलराइट, रोहित राजपूत जी ने सवाल नहीं पूछा, सर सबसे बुरी हैबिट लिवर के लिए कौन कौन सी है। अभी जो मैंने लास्ट में बताई, जो बैड हैबिट्स बताई, वही सारी हैबिट्स हैं लिवर के लिए, दारू पीना, उल्टा सीधे लोगों से इंटरसेक्स करना, या फिर दवाई उल्टा सीधा खाना, ये सब लिवर के लिए, पान और बहुत ज़्यादा मिलावट वाला खाना, वो सब भी लिवर के लिए ख़राब है। डिटॉक्स करने वाली काम लिवर का है, लिवर को डिटॉक्स नहीं कर सकते। राइट, प्लीज़ आंसर दे दो। बिल्कुल आंसर दे दिया आपका जनाब। सचिन मित्तल सर, स्लीप पैरालिसिस की रेमेडी, स्लीप पैरालिसिस, पहले तो स्लीप पैरालिसिस के लिए न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना होगा, उसके कारण ढूंढने होते हैं, दिमाग में क्या दिक्कत है, और स्लीप में पैरालिसिस हो भी रहा है या नहीं, सो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, आई एम सॉरी, रेमेडी तो नहीं, बट हाँ इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे आगे चल के। फियर को ओवरकम करने का तरीका है कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक्सरसाइज से या किसी भी चीज़ से कॉन्फिडेंस है, तो आप फियर को ओवरकम कर सकते हैं। एंड भूख नहीं लगती, वेट नहीं बढ़ रहा, भूख लगनी चाहिए, भूख लगने के लिए एक्सरसाइज करिए, या कुछ दिन के लिए क्या नाम है, साइप्रोहेप्टिडीन या हंगरी जैसा सिरप कोई भी, या आयुर्वेदी में आता, आयुर्वेदा में कौन सा अल्फा आता है, वो सब चीज़ें ले सकते हो। अंकुर सिंह, आई हैव अ जड़ी बूटी विच इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर लिवर, सब इनके लिए ताली बजाएंगे, मतलब लिवर में बीमारी है नहीं है लेकिन इट इज़ इफेक्टिव, ठीक है। ओके सर, मैं डिक्शनरी आ गया भाई,
डिक्शनरी, डिक्शनरी चला गया। सर मैं डिक्शनरी मेडिसिन 15 दिन से ले लिया था, साइड इफ़ेक्ट हो गया है, क्या आगे जाके बाद में कोई असर पड़ेगा? पहली बात तो मुझे डिक्शनरी मेडिसिन नहीं पता क्या है, डिक्शनरी क्या मेडिसिन है, आप एक बार डॉक्टर को दिखाओ और या फिर मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करो, मुझे फ़ोटो भेजो, वो मेडिसिन के रिप में अंदर क्या है उसके हिसाब से मैं बता पाऊँगा, ऐसे तो बताना मुश्किल है। ठीक है साहिद जी, सर फेस पे क्या इफ़ेक्ट होता है लिवर ख़राब हो जाए तो? फेस पे तो कुछ नहीं, पे ब्लीडिंग हो सकती है, फेस सूज सकता है, स्किन के नीचे पानी भर सकता है, तो ये हो सकता है लिवर पे, लिवर की प्रॉब्लम हो तो। ऑलराइट सर मेरा एसजी और पीलिया, फेस पीला पड़ सकता है, हाँ एसजीपीटी एसजीओटी हाई है, बिलीरुबिन नॉर्मल है, क्या ये प्रॉब्लम है? देखिए कितना हाई है उस पर है, ALT जो होता है, ALT यानी कि एसजीपीटी, पीटी लिवर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, जो SGOT है वो लिवर में मसल में दोनों में होता है, तो ये नहीं कह सकते लिवर में ही प्रॉब्लम है, मसल में भी हो सकती है, पूरा बॉडी देखना पड़ता है, वैल्यू देखनी पड़ती है, अगर वो सिर्फ ज़रा सा बड़ा हुआ है तो कुछ नहीं होता, अगर वो 10 गुना है 20 गुना है तो बहुत सिग्निफिकेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट और पेशेंट के ये अंदाजे से पता चलता है, तो इसलिए हमें रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। राइट क्या है पसली में दर्द क्यों होता है? सबसे कॉमन कारण पसली में दर्द का है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। दूसरा कारण है विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी, यानी मस्कुलर स्पाजम्स, कैल्शियम कमी, मस्कुलर स्पाजम, इनसे वजह से बहुत होता है। CRP एक सी रिएक्टिव प्रोटीन एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, जो कि ऑलमोस्ट जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, अगर बीमारी है कहीं भी तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है तो ये मेरे ख्याल से 10 सवाल हो चुके हैं, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि भी 10 हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 हाँ जी शेखर सर के मौसा जी आ रहे हैं। शेखर सर? हाँ ऊपर मार्केट में शेखर सर। हाँ वो क्या मौसा जी दिखाने के लिए आऊंगा सर। अच्छा तो ये बताया होगा। बैठाओ थोड़ी देर में मिलता हूँ। ठीक है सही बात है सर, मुझे हाइड्रोसिल, अच्छा हाइड्रोसिल हैप्पी, उसके लिए कुछ उपाय हैप्पी? हाइड्रोसिल के लिए ऑपरेशन होगा राफे जी, रफाते जी, ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लिवर 52 एक लिवर एंजाइम्स हैं, उसका इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए किया जा सकता है, अगर खाना नहीं पच रहा और इनडाइजेशन और इसमें फैट खाते हैं, जब भी तला हुआ कुछ भी खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्लोटिंग होती है उसमें। राइट हाउ टू रिड्यूस फैट इन लिवर, उसके लिए फैटी लिवर वाला वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियो समझाए हैं। अल्टीमेटली डाइटिंग करनी पड़ेगी, वजन कम करना पड़ेगा। अभी हम लिवर पे सवाल ले रहे हैं और सिर्फ लिवर पे सवाल लेंगे, दूसरे सवाल ना पूछें तो बेहतर होगा, वरना ये आपका अवॉइड किया जाएगा सवाल को। पेड सवाल पूछ सकते हैं अगर दूसरे सवाल है तो। हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन से टाइप का हेपेटाइटिस है, ए है, वैसे तो ए है, बी है, सी है, उसमें सेम में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, लेकिन बी और सी के लिए एंटीवायरल मेडिसिंस आ गई हैं तो एंटीवायरल चलती हैं। राइट सो हमें देखना होता है ए है बी है कि सी है, और उसमें भी वायरल टाइटर देखा था, टाइटर ज़्यादा है तो एंटीवायरल चलती है वरना नहीं। एंटीवायरल मेडिसिन सिर्फ वायरस को रोकती हैं, ख़त्म आपका खुद का शरीर करता है। स्प्लीन एनलार्जमेंट अगेन अ डिफरेंट टॉपिक, लिवर पे सवाल पूछिए। क्या है नुकसान 400, दवाई के बारे में मैं नहीं बताऊंगा अल्बर्ट जी, क्षमा करिए, ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स में नहीं डिस्कस करेंगे हम, आप लॉ वो पूछिए, ज्ञान की बातें पूछिए, लिवर की दिक्कत में क्या हो सकता है ऐसी चीज़ें। राइट क्या पिंपल नहीं सर, आज चिली चिकन नहीं खा रहे, रोज़ चिली चिकन थोड़ी खाऊँगा यार। एनीवेज नेक्स्ट मैं लिवर के लिवर अच्छा लिवर हाँ ओके। क्या है हाई SGPT साइन ऑफ हार्ट डिजीज? देखो पुराने ज़माने में SGPT में हार्ट डिजीज़ में भी देखा जाता था, लेकिन इट्स नॉट, अकेला SGPT हार्ट को स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन अगर साथ में हार्ट के एंजाइम्स बढ़े हैं, दूसरी हार्ट के चेस्ट पेन है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हो सकता है हार्ट के अंदर इतना प्रेशर है कि लिवर पे भी प्रेशर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरह से। ओके पेट फूला फूला रहता है, कहने को
मांगो लेटरिन जाना पड़ता है, कहने के मगरो, खाने के मगरो, अच्छा लेटरिन जाना पड़ता है। देखिए ये तो इनडाइजेशन ब्लूटिंग जैसी बात हुई, इसमें लिवर ख़राब हो ज़रूरी नहीं है, बट आप फैट कम करके देखो, एक हफ़्ता दूध दही यानी मिल्क बंद करके देखो, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, ठीक है, करके देखो, ये ट्रायल वाली चीज़ें हैं। और डाइजेस्टिव हेल्थ के मेरे सारे वीडियोस देख के उसको फॉलो करिए, राइट। GGT 77, GGT जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक सा, आप ये भी सेम चीज़ है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। नॉन स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ये कई सारी बीमारियों में बढ़ सकता है, हाँ लिवर की बीमारियों में भी बढ़ सकता है, लेकिन ये साथ में अगर आप दारू पीते हैं, सो अगर आप कोई प्रकार की दवा है जैसे दिमाग की दवा, फिनो, कोई कई दवाइयाँ आती है, फिनोटोइन, या फिर आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं तो उल्ट ऊपर नीचे हो, बर्थ कंट्रोल पिल से कम हो सकता है, दारू पीने से बढ़ सकता है, इवन शुगर डायबिटीज़ में बढ़ सकता है, हार्ट के प्रॉब्लम में बढ़ सकता है, राइट, बहुत सारे लिवर के इसमें तो है ही, पैनक्रियाज में भी, और कई दवाओं से। सो अब ये नहीं कह सकते कि आपके केस में जो बढ़ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए और जांचों की आवश्यकता होगी एज यूजुअल, ठीक है। फिर हम और सवाल ले रहे हैं, सवाल लिवर के GGT के बाद, सेम चीज़ मैं बता दूं, GGT का बाद में नीचे कोई सवाल होगा तो वो नहीं जवाब देंगे क्योंकि अभी दे दिया। सेम SGPT और SGOT बड़ा है, उसके बारे में सेम अभी ऊपर कहा था कि SGPT SGOT में जो OT है वो मसल और लिवर दोनों के डैमेज से, कहीं पे भी मसल में लिवर में कहीं डैमेज हो तो बढ़ सकता है। सो पेशेंट देख के अंदाज़ा लगाना होता है कि इसको लिवर में प्रॉब्लम होने के साइन है या मसल में प्रॉब्लम होने के साइन सिम्टम है, और SGPT अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो थोड़ा स्पेसिफिक होता है कि लिवर में डैमेज है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो, दारू पी रहे हो, उल्टी सीधी दवा खा रहे हो, इवन आयुर्वेदिक एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, उनसे भी कई बार हैवी मेटल टॉक्सिन्स होते हैं, लिवर में टॉक्सिसिटी, लिवर के अंदर डैमेज होता है, तो ध्यान में रखिए, ठीक है, ओके। उसके बाद हम सवाल ले रहे हैं लिवर के लिए, लिवर रीजनरेशन, लिवर में प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन का, मैकेनिज्म नहीं होता, बहुत सिंपल सा फंडा है कि लिवर के जो सेल्स हैं वो उनके जो रीजनरेशन है वो पॉसिबल, एक अकेला वही ऑर्गन है लिवर जो कम्प्लीटली रीजनरेट हो सकता है, बाकी सारे ऑर्गन्स में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है रीजनरेट होने की, राइट। फिर लिवर के पास पेन होता है 10 दिनों से, आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, लिवर फंक्शन, CBC, LFT, KFT, थायराइड फंक्शन और किडनी फंक्शन, वो भी करा के देखिए, दर्द का कारण पता करना ज़रूरी है, सर्जन को दिखा सकते हैं। सर फूड खाते हैं तो ऐसा लगता है कि चेस्ट के नीचे नहीं जाता, तो इसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ वाला CVD देखेंगे, राइट। बाकी हम लिवर के सवाल ढूंढ रहे हैं, लिवर में पस है और एक टेस्ट में अमीबा पॉजिटिव आया है, ये अमीबा एक पैरासाइट हुआ लिवर में पस, अमीबिक लिवर एब्सेस हुआ, इसको मेडिकेशन से ठीक किया जाता है, दवाई चलती है और एंटी हेलमेंथिक बेसिक पैरासाइट के खिलाफ, और वो जो लिवर एब्सेस ज़्यादा बड़ा हो तो उसे ड्रेन किया जा सकता है। लिवर डिजीज़ में लिवर 52 हमेशा नहीं दिया जाता, अगर हमें लगता है कि लिवर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि बाइल्स एनॉल्स सही से नहीं बन रहा, गॉल ब्लैडर सही से काम नहीं कर रहा, तो फिर लिवर 52 दिया जाता है, वो कुछ ना कुछ दे दो वाला हिसाब कई डॉक्टरों का होता है, और इसीलिए वो उठा के आपको लिवर 52 खिला देते हैं और आप भी खा लेते हो, इतना ज़रूरत नहीं होती है लिवर 52 हर बार खाने की, राइट। नेक्स्ट सवाल ढूंढ रहे हैं लिवर का, यू सेड दैट यू कैंट डिटॉक्स लिवर, सो व्हाट अबाउट सप्लीमेंट्स अवेलेबल मार्केट दैट मार्केट टू ट्रीट इज नॉट गुड। अभिषेक सिंह जी, सप्लीमेंट्स में एडवर्टाइजमेंट में अगर आप भरोसा करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो फिल्म स्टार्स बताएंगे आपको कि ये खा लो वो पी लो, आपको लगता है कि वो पेप्सी मिरिंडा फ्रूटी वो सब वो पी पी के उन्होंने अपना शरीर फिट रखा है,
वो नहीं पीते, वो नहीं खाते। वैसे ही जितनी भी चीज़ें दुनिया भर में लिखी है, डिटॉक्स लीवर, डिटॉक्स लीवर, उनसे लीवर डिटॉक्स नहीं होता, क्योंकि लीवर के अंदर टॉक्सिन जमा होता ही नहीं है। टॉक्सिन होता है खून में, और वो टॉक्सिन को डिटॉक्स लीवर करता है। तो लीवर को डिटॉक्स करने की कोई बात ही नहीं आई, और टॉक्सिन खून में घूमता नहीं रहता। वो खाना जो भी खाते हैं वो पहले लीवर में जाता है, डिटॉक्स होता है उसमें, खून लीवर में जाता है, डिटॉक्स होता है, फिर आपके शरीर में जाता है। जो लीवर से बाईपास हो गया वो आपके शरीर में जाकर तुरंत असर करेगा। जैसे दारू, जैसे ही दारू पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो लीवर में जितना वो मेटाबोलाइज कर सकता है, एक घंटे में एक पैग आपका लीवर आराम से मेटाबोलाइज करेगा। अगर धीरे धीरे पियोगे, एक घंटे में एक पैग पियोगे, नशा नहीं चढ़ेगा। तुरंत पियोगे तो थोड़ा सा उसका एल्डिहाइड, जो उसका मेटाबोलाइट है, वो खून में वापस निकल जाएगा, लीवर को बाईपास करके वहाँ से निकल के जैसे ही बाकी खून में जाएगा, दिमाग पे असर करेगा, आपको होगा नशा। तो ऐसे ही बाकी टॉक्सिन होता है वो, जैसे दारू को टाइम नहीं लगता नशा करने में, और ऐसा नहीं होता कि दारू पीने के दो दिन के बाद आपने पिया तो कल पी हुई दारू का असर निकल जाएगा, नहीं, उसने नुकसान कर दी। वैसे ही जो भी आप टॉक्सिन खाओगे वो नुकसान कर चुके होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ मैंने आज कल से या जिंदगी भर से मैंने जितनी दारू पी है आज मैं उसका नशा हटा दूंगा। ये कर सकते हो आप? दारू का सारा इफेक्ट जीरो कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो नुकसान करना वो कर देगी। सेम चीज आपके टॉक्सिन्स का होता है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको गलत बता के अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश होती है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लीवर का सवाल पूछ रहे हैं। लीवर 52 का क्या रोल है? लीवर 52 लीवर के एंजाइम्स हैं जो सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो कुछ दिन के लिए वो हेल्प कर सकते हैं। कुछ दिन लेने से आपको क्या होगा, कोई जो दूसरी बीमारी है उसको मदद करने में, उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बीमारी ढूंढनी होती है। सर, ड्यूरिंग फूड इनटेक आई यूज टू गेट स्वेटी ऑन द फेस। अब यार ये तो बड़ा लीवर का सवाल नहीं हुआ। इज इट रिलेटेड टू बाइल जूस फॉर्मिंग ड्यूरिंग डाइजेशन? चलो, फूड इनटेक गेटिंग स्वेटी ऑन द फेस एंड स्कल्प व्हेनेवर द फूड इज लिटिल स्पाइसी, आई डोंट थिंक इट इज़ रिलेटेड टू दिस, बिकॉज स्पाइसी फूड का काम नहीं है बाइल जूस का। बाइल जूस का काम है लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, यानी कि फैटी फूड का, डाइजेशन का। सो ये हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम हो आपको, गैस्ट्राइटिस, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, उसमें ज़रा ध्यान दो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जी अमन नथान जी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। वीडियो सीआरपी पे और सारे ब्लड टेस्ट पे वीडियो आएगा। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग वीडियोज ऑन ब्लड टेस्ट ऑल्सो, डोंट वरी। ओके देन, ओके क्वेश्चन, लीवर का क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं। किडनी वाले साइज में प्रॉब्लम है सर, जॉन्डिस के टाइम पता चला था, मुझे टेंशन लेना चाहिए? बिल्कुल टेंशन मत लो, टेंशन से तो प्रॉब्लम होगी। ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करिए सिमरनदीप सिंह जी, किडनी को टेस्ट करिए, पानी नॉर्मल मात्रा में पीजिए, किडनी और लीवर को प्रोटेक्शन वाले हमारे वीडियो देखिए। ठीक है, ऑलराइट, ओके। हेप्ट्रल 400 नोक्सम 400 फ्लोसाइड लीवर प्रॉब्लम, देखिए ये जो दवाएं हैं ये अलग अलग प्रॉब्लम्स में दी जाती है। ऐसा नहीं है कि लीवर में कुछ भी हो तो हेप्ट्रल खा लो, या लीवर में कुछ भी हो तो लीवर 52 खा लो। ये गलत अप्रोच है, ये कोई इलाज का तरीका नहीं है। कई लोग ऐसे करते होंगे, कई डॉक्टर ऐसे करते होंगे, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है सर, मेरे भाई ये तो हो गया, डायबिटीज़ की मेडिसिन से लीवर ख़राब होता है क्या? जी हाँ, कई मेडिसिन से लीवर में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ के मेडिसिन से ही लीवर ख़राब होता है, लेकिन किसी किसी में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए हमें बीच बीच में लीवर का टेस्ट और हमें साइंस एंड सिम्टम्स देखने होते हैं। पेशेंट को वापस बुला के देखना होता है कि उसको क्या साइन हो रहे हैं और क्या दवा चल रही है, क्या उसके दारू तो नहीं पीता, ये तो नहीं होता। अगर कोई और कारण नहीं है तो फिर उसको मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन को भी कम करके देखा जा सकता है। ठीक है, ओके देन, फैटी लीवर क्या है? एक्सहेल करने से ठीक हो जाएगा क्या? एक्सहेल करने से नहीं ठीक हो, एक्सरसाइज करने से ठीक। आपने एक्सरसाइज लिखा है कि एक्सहेल लिखा है? अब ये सांस लेने से ठीक नहीं होगा, एक्सरसाइज करने से और डाइट में कम खाने से, कम रोटी, कम तला हुआ खाने से, कम कार्बोहाइड्रेट खाने से ठीक होगा।
फैटी लिवर का वीडियो देख सकते हैं आप, रेबीज के ऊपर अलग से वीडियो आएगा मेरा। फिर क्या है, थैंक यू अमन जी। मैंने दो डॉक्टर को बताया कि मुझे फटीग हो रहा है, फीवर जैसे लग रहा है, डॉक्टर ने बोला कि फैटी लिवर है और एक दूसरे डॉक्टर ने बोला फैटी लिवर नहीं है विद द सेम रिपोर्ट, 816 112 kg, 112 किलो में कुछ तो फैटी लिवर होगा ही आपको। पहली बात सिंपल है, इलाज वज़न कम करिए, ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आ गए, जर्नी के समय थोड़ा सूज जाना है, क्या ये लिवर डिजीज़ है? नहीं, ऐसा लिवर डिजीज़ से नहीं होता। आप एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराओ, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जर्नी के समय। फैटी लिवर पे अलग से डिटेल वीडियो है प्रवीण जी, वज़न कम करिए, फैटी लिवर ठीक होगा। लिवर प्रॉब्लम है मेरे, लिप्स और टंग में स्किन निकल रही है 4-5 दिन से, क्या ये लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है? स्किन निकलना लिवर रिलेटेड, स्किन से खून निकलना हो सकती है, वो नहीं, मैंने पूरे साइन सिम्टम पहले बताए हैं। लिवर फैटी लिवर प्रॉब्लम वीडियो है, सत श्री अकाल जी, थैंक यू, ग्रेट नॉलेज। ओके, थ्रोम्बोटिक पाइल लिवर की प्रॉब्लम, थ्रोम्बोटिक पाइल बिल्कुल लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने नीचे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि पाइल्स और ऊपर इसोफेजियल वराइसिस, लैटरिन में खून आना, ये सब लिवर की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, मगर सिर्फ लिवर की प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता, और भी कारणों से होता है। तो लिवर ज़रूर चेक कराएं, लिवर के पास पेन होता है टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड से लेके लिवर फंक्शन टेस्ट CBC तक। ऐसे नहीं बता सकते क्यों पेन होता है, सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस हो सकता है। राइट, लिवर फूला फूला रहता है, कहने के मगरो लैटरिन, ये मैं बता चुका हूँ। नॉन वेज डेली खाने से लिवर पे इफेक्ट नहीं होता, कृपया इस गलत धारणा को अपने दिमाग से निकालें। लेकिन रोज तला हुआ खाएंगे, रोज बटर मक्खन, घी बटर मक्खन वाला ही बहुत ज्यादा मात्रा में खाओगे तो जरूर इफेक्ट होगा। नॉन वेज कैसे पकाते हैं वो डिपेंड करता है, आलू कैसे पकाते हैं वो डिपेंड करता है। वेस्टिजील का क्या है, वेस्टिजी का है लिवर, मुझे वेस्टिज का बारे में मुझे नहीं पता, वेस्टिज क्या मतलब है, वेस्टिज नाम की चीज़ मैंने नहीं सुनी पहले, ठीक है। इकोस्प्रिन से क्या लिवर ख़राब होता है? नहीं, नॉर्मली नहीं होता, लेकिन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं दवाओं के, किसी भी दवा के हर एक में, इसलिए हमें थोड़ा देखना है। नॉर्मली ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। लिवर 2 बार फैटी हुआ है, मैंने नॉर्मल किया, अब आगे और कोई डिजीज़ ना हो इसीलिए क्या करना है? हो सकती है डिजीज़ हो सकती है, आप पतले रहिए, मैंने जो बताया ये सब चीज़ें अवॉइड करिए, फैटी चीज़ें अवॉइड करिए, दारू अवॉइड करिए, ठीक है। ऑल राइट, लिवर के सवाल और ढूंढ रहे हैं, लिवर स्ट्रॉन्ग कैसे करें? होगा लिवर स्ट्रॉन्ग, होगा अगर आप लिवर को सिर्फ और सिर्फ आराम देंगे, काम कम देंगे, दारू कम पियेंगे, उल्टा सीधा कम खाएंगे, तला हुआ चिकनाई वाला कम खाएंगे, और अगर सब्जियां वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे तो लिवर फैटी, और थोड़ा सा कैफीन, थोड़ी सी कॉफ़ी माइल्ड अमाउंट कम मात्रा में लिवर के लिए अच्छी है। डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, वो भी लिवर के लिए अच्छी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पर पूरा डिटेल वीडियो है पंकज जी, वो जाके देखिए। राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगेन वही चीज़, डाइजेशन, लिवर, लिवर ठीक है कि नहीं है? करण जी ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको लिवर टेस्ट करना पड़ेगा। डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर में भी हो सकती है। लिवर फंक्शन और अल्ट्रासाउंड कराइए पेट का। मेडिसिन फॉर हेपबी एंड समटाइम्स लिवर पेन अराइजेज बट लिवराइट फॉर 2 डेज इट्स गोज अगेन। ये कहते हैं हैप्पी है कि नहीं है, लिवर में पेन है कि नहीं है, पेट में दर्द, लिवर पेन नहीं होता, लिवर के अंदर कोई भी सेंसेशन नहीं होती है, जब तक लिवर सूज नहीं रहा तब तक पेन नहीं होगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। सो कृपया जाके एक बार टेस्ट कराओ। सारे लोगों से ये है कि लिवर की वजह से क्या है, बगलों के नीचे सूजन रहती है, ऐसा नहीं है, लिवर की वजह से बगलों के नीचे सूजन नहीं रहती, बगलों के नीचे सूजन है, गांठें हैं तो ट्यूबरकुलोसिस के वजह से हो सकती है, वो इन्फेक्शन के वजह से होती, लिवर के वजह से नहीं होती। इन्फेक्शन लिवर में भी हो सकता है, बाकी शरीर में भी हो सकता है, लिवर से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, लिवर कॉन्स्टिपेशन से लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है। लिवर 52 ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेनी चाहिए, ज़रूरत है कि नहीं है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। पहले आप कोशिश करिए खाने पीने में चेंज करके, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे वीडियो देखिए, उसमें बताए गए तरीके से अपना के अपने को ठीक करने की कोशिश करिए। लिवर के दवाइयों पर डिपेंड रहने का कोई मतलब नहीं बनता ज़िंदगी भर, ठीक है। कुछ दिनों के लिए खा सकते हैं। ओके, कैन वी टेक लिवर 52 बेटर? नो,
ये क्या बात हुई, छोटे बच्चे को दे दो आप, बच्चा पैदा होता है उसको लीवर 52 देना शुरू कर दो, दोगे नहीं दोगे ना, तो फिर क्यों अपने आप से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बड़े हो गए तो कुछ भी कर सकते हो। सर क्या ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन खाने से लीवर डैमेज हो सकता है? मैंने बता दिया था एलोपैथिक मेडिसिन में पेन किलर्स और एंटीबायोटिक ज्यादा लीवर डैमेज करती हैं, इवन पैरासिटामोल क्रोसिन ज्यादा मात्रा में दो तो लीवर डैमेज करती है, दारू के साथ कुछ मेडिकेशन लो तो लीवर में डैमेज करती है, ठीक है। सो हमें सोचना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। रैपडो, रैपडो अलग हो गया, वो अलग से लीवर के रैपडोमायोलाइसिस बोल लीजिए या किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक मसल में प्रॉब्लम होता है, मसल और लीवर में नहीं होता नॉर्मली इसके, बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा। फाइब्रो स्कैन से लीवर डैमेज नहीं पता चलता, लीवर में कितना फाइब्रोसिस है वो ज़रूर पता चलता है लीवर, अगर हाँ मतलब एक मात्रा में मान लीजिए पता चलता है लीवर डैमेज हो रहा है या नहीं, ऐसा नहीं पता चलता, लीवर में डैमेज मैंने फाइव मतलब स्कारिंग कितनी हो गई है ये इसका आइडिया मिलता है, फाइब्रोस्कैन अच्छा टेस्ट है, करा सकते हो, ठीक है। हर्बल लाइफ लीवर डिटॉक्स और ब्लड प्यूरीफाई का कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं होता, फालतू बातें हैं वो। लीवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी, बहुत सारे लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के ज़रूरत है तो कराना पड़ेगा, नहीं है तो क्यों करना है कि नहीं। ओहो ऊपर चलेगी, पैरासिटामोल इज़ टॉक्सिक फॉर लीवर, बिल्कुल अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो, कभी कभार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जैसे दारू है, कभी कभार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगे तो दिक्कत है। विस्की रम छोड़ के लाइट अल्कोहल ड्रिंक लाइक बियर लीवर में एडहेसिव इफेक्ट होती है? ज़्यादा मात्रा में लोगे तो बिल्कुल होती है, उसके नॉर्मल रेंज मैंने बता चुका हूँ, और कभी कभी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फाइब्रोसिस को लिवर्स नहीं कर सकते भाई साहब, फाइबर है, स्कार है, जिस तरह आपके हाथ में स्कार हो जाएगा तो वो स्कार कम कम लाइट लाइट होता जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा, वैसे ही वो लिवर के अंदर है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। टर्मरिक से लीवर में कोई ढाम नहीं होता बल्कि इट्स गुड फॉर द लीवर। डियर सर आहार दाल की पैटी, अरहर दाल की पैटी लीवर की रिकवरी में काम आती है? ये कहाँ से आ गया यार, ऐसे थोड़ी होता है, लीवर की रिकवरी है उसमें आप दाल खाओ बाकी नॉर्मल खाना खाओ डजेंट मैटर, उसमें रिकवरी में काम आएगी ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है, लीवर को नुकसान नहीं देगी। ऑल राइट, वो कितने सवाल है लोगों के पास। एनी वेज, टबैको गुटखा खाने से लीवर में असर होता है? बिल्कुल होता है, वो सब जगह असर करता है, ठीक है। सिरोसिस का मतलब होता है लीवर में फाइब्रोसिस यानी स्कार आ गया है, स्कारिंग टिश्यू, जैसे लीवर में किसी भी प्रकार की इंजरी अल्कोहल से हो, वायरस से हो, फैट ज़्यादा जमा होने से हो, दारू पीने से हो, तो वो सबसे या कोई दवा से हो, वो सबसे लीवर में स्कार आ सकता है। राइट, अभी मैं बहुत सारे सवाल, लीवर बड़ा हुआ है तो उसका उसकी जांच करनी होगी, कारण ढूंढना होगा तब सलूशन होगा। योगा से लीवर क्योर नहीं होता, योगा से आपकी पूरी बॉडी में हेल्प होता है, लीवर में क्या बीमारी, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो भी देखो योगा हेल्प करेगा, योगा विल हेल्प, पर वो अकेला ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। राइट, जीजीटी टेस्ट के बारे में, एएलटी के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूँ, वो देखिएगा। और रोसोवास या कोई भी स्टैटिन जो होती हैं वो लीवर के ऊपर साइड इफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए आपको लंबे समय खा रहे हैं तो उसको रेगुलर टेस्ट करना है, हर एक में साइड इफेक्ट नहीं होते किसी भी चीज़ के, ये बात याद रखिएगा। राइट, विटामिन B12 डेफिशिएंसी बार बार हो रही है, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। अगर B12 डेफिशिएंसी बार बार हो रही है, हो सकता है आपको इंट्रेंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी हो, दो दूसरी चीज़ होती है जो स्टमक के अंदर होती है उसके वजह से B12 डेफिशिएंसी होती है, इनका पेट सवाल है इसलिए ले रहा हूँ। और इस केस में आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाना होगा, और B12 को सप्लीमेंट करिए, नॉन वेज छोड़ के सप्लीमेंट करके देखिए, कई बार उससे ठीक हो जाता है। लिवर को गट बैक्टीरिया इफेक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि गट बैक्टीरिया बाइल जो होते हैं, बाइल सॉल्ट को वो करते हैं रिसाइकल, राइट, रिसाइकल करते हैं, तो गट बैक्टीरिया ख़राब होते हैं तो बाइल और लिवर फंक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। लिवर यदि ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए? पहले लिवर की ख़राबी का पता करिए कि क्या खराबी है, एसिडिटी फूलना ऐसे कंडीशंस में क्या करें, वो गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो लिवर ख़राब नहीं होगा। मान लीजिए आपका पेट फूल रहा है, मान लीजिए आपके बच्चे का पेट फूल रहा है, छोटे बच्चे का, और एक डॉक्टर ने कहा इसका लिवर ख़राब है, तो क्या करोगे? बोलोगे चलो लीवर ख़राब है, इसको लीवर 52 दे दो, चलो इसको ये दे दो, नहीं ना, दिमाग लगाओगे ना, एक दो डॉक्टर को और दिखाओगे ना, फिर से जाके चेक करोगे ना कि लीवर ख़राब है कि नहीं है, वैसे ही अपने लिए करो, किसी एक डॉक्टर के कुछ भी कह देने से मान मत लो आंख बंद करके,
फिर से सोचो, ठीक है? ऑल राइट, चलो बहुत देर हो गई, अब लिवर के ऊपर आगे और भी बढ़िया वीडियो बनाएंगे, अभी चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, सी यू टुमारो। और हाँ, आज रात को एक और हम करेंगे ऐसे ही सेशन, पर थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है? अराउंड 8 बजे, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।